हेलो एवरीवन, थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर गोइंग टू गेट योर स्कूटी सर्विस डन। ओके, सबसे फर्स्ट आपको ध्यान देना है अपने इंजन ऑयल में। देखिए, मेन जो टॉपिक्स रहते हैं वो ऑलरेडी कवर कर लेते हैं। आपको कुछ प्रॉब्लम्स अपनी गाड़ी में फील होते होंगे तो आप उनसे डिस्कस कर लेंगे, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अपने ध्यान में रखनी है और उन्हें कहनी है, क्योंकि उन लोग के माइंड से भी निकल जाती सब बातें। देखिए, पहले आपका इंजन ऑयल ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि इसमें इंजन ऑयल डलता है करीबन 550 मिलीलीटर, इसमें लिखा है 0.55 मिलीलीटर, यानी कि 550 मिलीलीटर। डब्बा आता है 1 लीटर का, ठीक है ना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वो 200 रुपये का है, इसमें तो आधा ही डाला, बाकी का 100 रुपये का पेट्रोल बोल रहा हूँ, इंजन ऑयल कहाँ गया। तो इस बात पर आपको ध्यान देना है, हो सकता है कि इसमें पूरा 1 लीटर आता हो, बट इसमें लिखा हुआ है 0.55 ml, तो कहीं वो आधा डाल के आपसे पूरे का पैसा नहीं ले ले। और आपको ध्यान देना कि खुला इंजन ऑयल आपको नहीं डलवाना है, होंडा की तरफ से जो प्रिस्क्राइब्ड इंजन ऑयल आता है वही आपको फिल करवाना है, जो कि एक सील्ड बॉटल पे आता है। ये क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि उनके कंटेनर पे इंजन ऑयल फिल्ड होता है, वही से उन लोग मग्घा से उठाते हैं और इन गाड़ियों में फिलअप कर देते हैं, टॉपअप कर देते हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना, क्योंकि पहले तो इसमें 0.55 ml ही इंजन ऑयल आएगा, तो कहीं वो लोग इस बात की चोरी तो नहीं कर रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो उसका आधा पैसा ही आप दीजिए। क्योंकि ये सब चीज़ें, क्योंकि मैंने जब पिछली बार मेरा जब फिलअप हुआ था तो मैंने ध्यान नहीं दिया था कि पूरा आया है कि हाफ आया, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा, अब इस बार मैं जाऊँगा सर्विसिंग करवाने के लिए तो आपको मैं अच्छे से डिटेल बताऊँगा कि क्या है। सेकेंड चीज़, बात करते हैं गियर ऑयल। गाड़ी का गियर ऑयल ज़रूर से ज़रूर आपको चेंज करवाना है। अगर गाड़ी में गियर ऑयल है परफेक्ट तरीके से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप उससे बोलिए कि टॉप अप कर दो मेरा गाड़ी का गियर ऑयल, तो गाड़ी के गियर ऑयल्स को वो टॉप अप कर देगी। थर्ड चीज़, अपनी गाड़ी पर ध्यान ये दीजिए कि ये ब्रेक पैड, अभी देखिए मेरी गाड़ी में यहाँ पास पे, ये देखिए ये ब्रेक पैड इसमें दिया हुआ है ये वाला, बट इसमें नहीं है, बट इस वाले में देखिए आप, इसमें आपको ब्रेक पैड ही नहीं मिलेगा। ये देखिए इसमें है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि जब मेरे पास पुरानी मैस्ट्रो थी उसमें तक इसमें ब्रेक पैड था, जबकि इसमें भी ये गियर, ये ब्रेक्स लगाने के लिए ऑप्शन थे कि आपका ब्रेक लॉक हो जाते, ब्रेक लॉक वाला उसमें भी फीचर था, बट उसमें भी ब्रेक पैड था, इसमें क्यों नहीं है? तो इस बार जब मैं जाऊँगा, मैंने अभी ध्यान दिया इसको, जब मैं जाऊँगा अगली बार सर्विसिंग करवाने के लिए, तब मैं इसको ज़रूर इसमें फिटअप करवा लूँगा वो वाला। चौथी चीज़, आपको ध्यान देने कि आपके सारे ब्रेक्स वगैरह में, सारे आपके पार्ट्स में जो ओपन होते हैं, जैसे कि ब्रेक हो गया, उसमें सब में ग्रीसिंग ज़रूर डन होनी चाहिए। जैसे देखिए अभी इसमें ये ब्रेक हो गया आपका, रियर ब्रेक्स हो गए, ये सब में आपकी ग्रीसिंग ज़रूर डन हो जानी चाहिए, ठीक है ना। ये सब में आपकी ग्रीसिंग कम्प्लीट होनी चाहिए। फिफ्थ, आपको चेक करवाना है कि आपका ब्रेक शू कैसा है। गाड़ी के रियर में आपका होता है ब्रेक शू, तो ब्रेक शू पे ज़रूर आपको ध्यान देना है कि ब्रेक शू आपका परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप उनको अपना वैक्यूम दिखा सकते हैं, सॉरी एयर फिल्टर दिखा सकते हैं। एयर फिल्टर का थोड़ा टाइप चेंज है, एयर फिल्टर उनसे पूछ लीजिए कि मेरा एयर फिल्टर अभी ठीक है कि नहीं है, उनसे आपको ज़रूर पूछना है। वो लोग तो चेक करके लगा दें, लेकिन आपको पूछना है कि अभी मेरा एयर फिल्टर ठीक है कि नहीं है। अगर वो बोले कि ठीक है, परफेक्ट है, तो ओके है, और पूछ लीजिए कि कब चेंज होगा, यानी कि अगली सर्विस में चेंज होगा कि कितने किलोमीटर चलने के बाद चेंज होगा, तो ये सब चीज़ें ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और गाड़ी में जो मेन रहता है, जहाँ पे आपको वो करवानी, क्या बोलते हैं, ग्रीसिंग करवानी, वो आपको पार्ट में भी दिखाता हूँ, एक मिनट। चलिए मैं चाबी ले आया हूँ, चाबी इसमें लगाते हैं गाड़ी में, ठीक है। और इसकी सीट को खोलते हैं, एक सेकेंड। देखिए ये गाड़ी के यहाँ पास में जो गाड़ी का अंडर बोनट जो लॉक रहता है, इसमें आपको ग्रीसिंग ज़रूर करवानी है। देखिए जैसे मेरी इसमें ग्रीसिंग है, देखिए ध्यान से देखेंगे आपको दिखेगा, देखिए ठीक है, आपको दिख रहा है ना, इसमें ग्रीसिंग है मेरे में, लेकिन आप में शायद से ना हो, तो इसमें ग्रीसिंग ज़रूर करवाइएगा। जब नई नई गाड़ी तब तो ग्रीसिंग कर देते हैं, बट उसके बाद फिर करना थोड़ा सा भूल जाते हैं। इसमें हो गया, ये सीट में यहाँ पास में हो गया थोड़ा सा, हल्की हल्का 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 बोला ज़्यादा नहीं, हल्की सी ग्रीसिंग यहाँ पर, नहीं तो आवाज़ आएगी चार पार करके, तो यहाँ पर आपको ग्रीसिंग करवा लेनी है। तो मेन आपको पार्ट्स में ग्रीसिंग ज़रूर करवानी है, जैसे कि ये फ्यूल लिड, अगर मैं ओपन करूँ आपको, रुकिए आपको फ्यूल लिड ओपन करके दिखाता हूँ। ये फ्यूल लिड ओपन हुआ, तो इसमें आपको ग्रीसिंग करवानी है, ध्यान देखिए, ये देखिए फ्यूल लिड के इसमें आपको ग्रीसिंग करवानी है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये जो अंडर वो चले जाते हैं, थोड़ा सा वो स्प्रे मार, ऑयल का स्प्रे मार के वो थोड़ा सा कर देंगे, बट उसमें आपको थोड़ा सा डलवाना है, ग्रीसिंग करवानी है। तो मेन पार्ट्स में ग्रीसिंग ज़रूर डन करवा लीजिएगा अपनी, ठीक है। और मैं आपसे जो नेक्स्ट टॉपिक आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, वो ये है कि एक फ्यूज़ को लेके है, कि बैटरी में फ्यूज़ क्या है ना, कि कभी कभी गाड़ी चल जाती है फ्यूज़ के में थोड़ी दिक्कत आ जाती है बैटरी के फ्यूज़ को लेके, तो वो ठीक है चलता है, बट
वो एक अनदर फर्दर टॉपिक हो गया कि आपको वो चेंज कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, गाड़ी चलते 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 फ्यूज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हो सके तो एक बार फ्यूज़ चेंज करवा लीजिए, 27-28 रुपये का आता है, वो चेंज करवा लीजिए, नहीं करवाएं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एक दरअसल वो एक अदर टॉपिक वाली बात है। तो ये सब चीज़ें हैं आपको ध्यान ज़रूर देनी है, हर जगह गाड़ी में ग्रीसिंग, इंजन ऑयल प्रॉपर और गियर ऑयल प्रॉपर, और बाकी ब्रेक पैड होनी चाहिए, ब्रेक शू चेंज अगर हो रहा है तो वो उसको चेंज करवाइए, वरना ब्रेक्स पे प्रॉब्लम जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको अपनी गाड़ी पे ध्यान दें जब आप गाड़ी के सर्विसिंग कराने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज़।